अच्छा, आज हम लोग करेंगे रेटिना। अब सबसे पहले उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब रेटिना होता क्या है? जो आईबॉल का सबसे इनर लेयर था ना, मतलब सबसे बाहर तो स्क्लेरा और वो, हाँ स्क्लेरा होता है, फिर कोरोइड होता है और फिर रेटिना होता है ना। तो ये जो इनर लेयर है सबसे आईबॉल का, उसको बोलते हैं रेटिना। और वो एक नर्वस लेयर होती है, थिन ट्रांसपेरेंट नर्वस लेयर दैट फॉर्म्स द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल। अब इसकी डेवलपमेंट जो है ना वो न्यूरो एक्टोडर्म से होती है, और वो इस तरह से होती है कि न्यूरो एक्टोडर्म में ना एक इन्वेजिनेशन होती है जिसको प्राइमरी ऑप्टिक वेसिकल बोलते हैं। फिर ये प्राइमरी ऑप्टिक वेसिकल जो है ना डिफ्रेशिएट हो जाती है एक आउटर लेयर में और एक इनर लेयर में। जो आउटर लेयर है ना वो पिगमेंट लेयर बनाती है रेटिना की, और जो इनर लेयर है वो सेंसरी लेयर बनाती है रेटिना की। ठीक है, फिर आती है हमारे पास इसकी एनाटॉमी। अब जो वो पूरा रेटिना होता है ना वो ऑप्टिक डिस्क से लेके ओरा सेराटा तक होता है। ठीक है, क्लिनिकली ना हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो में, पोस्टीरियर पोल में और एक पेरिफेरल रीजन में। और ये दोनों किससे डिवाइडेड होते हैं? एक लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, उसे इक्वेटर बोलते हैं, उससे इन दोनों में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब ठीक है, अब पोस्टीरियर हो गया, पेरिफेरल हो गया। अब फिर जो ऑप्टिक डिस्क हमने बोला था ना, वो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर एरिया है पिंक कलर की, जो 1.5 mm डायमीटर की है। ठीक है, इधर क्या होता है कि सारे जो रेटिनल नर्व फाइबल्स होते हैं ना वो कन्वर्ज होते हैं और ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। मतलब ये एक, लेट से ये आईबॉल है तो पीछे बिल्कुल यहाँ पे एक ऑप्टिक डिस्क होगी जिसमें सारे नर्व लेयर, सारी नर्व्स आएंगी और यूँ करके एक ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में निकलेंगी। ठीक है, अब रेटिना में हमने कर लिया कि दो लेयर्स हैं, एक रेटिनल पिगमेंट लेयर है, एक सिंगल लेयर है जो कि ऑप्टिक डिस्क से ऑरा सेराटा तक होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास होती है सेंसरी रेटिना। ठीक है, अब सेंसरी रेटिना में हमारे पास बहुत तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होते हैं म्यूरल सेल्स, इसमें वही रॉड्स और कॉन्स आ जाते हैं जिन्हें हम फोटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। जो आपके वो रॉड्स हैं वो रात की नाइट विजन देते हैं, और जो कॉन्स होते हैं वो डे लाइट विजन देते हैं। ठीक है, फिर म्यूरल सेल्स में एक तो रॉड्स और कॉन्स हो गया, दूसरा हमारे पास बाइपोलर सेल्स हो गया, और तीसरा हमारे पास गैंग्लियन सेल्स हो गए। ठीक है, फिर दूसरे सेल्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमेक्राइन सेल्स आ जाते हैं। फिर सपोर्टिंग सेल्स में हमारे पास ग्लायल सेल्स जिन्हें मुलर सेल्स भी बोलते हैं। फिर वैस्कुलर एलिमेंट में हमारे पास सारी की रेटिना की ब्लड वेसल्स आती हैं। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है इसका? अब सबसे पहले हमने किया ना, दो लेयर्स होती हैं, एक रेटिनल पिगमेंट लेयर और फिर बाकी सारी जो टोटल रेटिना में 10 लेयर है। पहली वाली तो रेटिनल पिगमेंट लेयर है, बाकी जो 9 है ना वो सेंसरी रेटिना बनाती हैं। ठीक है, अब उसमें क्या हो जाता है? सबसे पहले तो रॉड्स एंड कॉन्स आएगा, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, और सबसे लास्ट वाली इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब इन दो मेम्ब्रेन के बीच में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, सारी याद रखनी होगी। ठीक है, पहली है आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, फिर इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, फिर गैंग्लियन सेल्स और फिर नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, ये हो गया। अब जो रेटिना है ना उसमें हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड एरिया होती है। ठीक है, उस एरिया को हम बोलते हैं मैक्यूला, मैक्यूला या मैक्यूला लूटिया कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये पोस्टीरियर पोल में लोकेटेड होती है और 5-6 mm की होती है। अब ये फर्स्ट के लिए रेटिना है तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड लेयर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसे हम मैक्यूला बोल रहे हैं। ठीक है, अब उस मैक्यूला के अंदर एक और लेयर है हमारे पास जिसे हम बोल रहे हैं फोविया सेंट्रालिस। ये जो है ना सबसे सेंसिटिव एरिया होती है मैक्यूला की। ठीक है, और हाँ, और एक हल्की सी डिप्रेशन सी होती है ये मैक्यूला में। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है फोवियोला। अब ये फोविया के बिल्कुल सेंटर में एक लेयर है। ठीक है, एक शाइनिंग पिट है बिल्कुल बीच में फोविया के। ठीक है, ये अगर इसको जाएँ तो ये ऊपर वाली डायग्राम में सारी लेयर्स बनी हुई है हमारे पास रेटिना की, और नीचे ये पूरा जो है ये मैक्यूला है, उसमें फोविया है, फिर बीच में बिल्कुल फोवियोला है। ठीक है, अब फोवियोला जो होता है ना वो एवैस्कुलर है। ठीक है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, कोई रॉड्स नहीं है, कोई गैंग्लियन सेल्स नहीं है, और ये रेटिना का सबसे थिन पार्ट है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें होते ही सिर्फ कॉन्स हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता। अब ये एवैस्कुलर था ना, अब फोविया के अराउंड वाली लेयर भी थोड़ी सी, उसमें भी वेसल्स नहीं होते, तो उस पूरी इंक्लूडिंग फोवियोला और साथ में उसकी अराउंड जो एरिया है ना उसको हम एवैस्कुलर जोन बोलते हैं।
अब नेक्स्ट हमें करना है ब्लड सप्लाई इसकी रेटिना की. तीन आर्टरी सप्लाई करती हैं, एक है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, फिर है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज, फिर तीसरी है सिलियो रेटिनल आर्टरी. ठीक है, ये तीन सप्लाई करती हैं. फिर वेनस ड्रेनेज जो इसकी होती है वो रेटिनल वेन जो है वो साथ साथ रेटिनल आर्टरी के फ्लो होती है और साथ में सेंट्रल रेटिनल वेन में भी जाती है जो कि कवेनस साइनस में ड्रेन होती है जिसके थ्रू उसकी पहले रेटिनल वेन से वो जाती है सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन, उधर से कवेनस साइनस में जाती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड रेटिनल बैरियर सिस्टम. अब इस सिस्टम का ये फ़ायदा है कि वो रेटिना को ट्रांसपेरेंट रखती है और रेटिना को ट्रांसपेरेंट इसलिए रखना होता है ताकि वो जाहिर है अगर उसमें ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ही विजन सही होगी ना, इस वजह से. अब इसमें जो है ना एक इंटरनल बैरियर होता है और एक एक्सटर्नल बैरियर होता है. ठीक है, जो इंटरनल बैरियर है ना वो जो रेटिनल कैपिलरीज की एंडोथीलियम है ना उनके टाइट जंक्शंस होते हैं, उससे ये इंटरनल बैरियर बन रहा है. ठीक है, अब जो एक्सटर्नल बैरियर था वो जो रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम था ना उसके टाइट जंक्शन से बन रहा है. ठीक है, अब इंटरनल बैरियर क्या करता है कि वो एंडोथीलियम के उससे बन रहा था ना, तो ये जो सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स को पास होने देता है लेकिन सब कुछ को पास नहीं होने देता. जो एक्सटर्नल बैरियर है वो भी सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स को कोरियो कैपिलरी से पास होने देता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इसके फंक्शंस, फिजियोलॉजी होगी बेसिकली. अब फंक्शंस में सबसे पहले तो विजन, विजुअल एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है रेटिना. सेकंड, ये हमें कलर विजन भी देती है. फिर तीसरा, ये हमें नाइट विजन भी देती है. फिर फोर्थ, हमें कॉन्ट्रास्ट की सेंसिटिविटी मिलती है इससे. ठीक है, अब जो फंक्शनल डिविजन है रेटिना की उसे हम डिवाइड कर देते हैं दो में. ठीक है, एक मतलब लेट्स से ये किसी का फेस है तो उसमें ना हम रेटिना को दो में डिवाइड कर देते हैं. ये जो नोज़ की तरफ है वो नेजल रेटिना होती है और जो उस तरफ वाली होती है वो टेम्पोरल रेटिना होती है. ठीक है, अब जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना जो टेम्पोरल रीजन से आ रहे होते हैं ये ऑप्टिक नर्व में जाती है, फिर ऑप्टिक ट्रैक में जाती है और सेम साइड मतलब इप्सी लैटरल जो है ना लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाती है ब्रेन के. ठीक है, जो टेम्पोरल वाली है वो सबसे पहले ऑप्टिक नर्व में बनती है, फिर ऑप्टिक ट्रैक में जाती है और फिर सेम साइड ऑफ में जाती है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के. ठीक है, मतलब इप्सी लैटरल है ये. जो नेजल वाली होती है ना वो सेम साइड पर नहीं जाती, वो वही बने निकलेगी, ऑप्टिक नर्व बनेगी, ऑप्टिक आइज़म जो ऑप्टिक आइज़म होता है उससे पास करेगी और दूसरी साइड की लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएगी, मतलब ये कॉन्ट्रा लैटरल है. ठीक है, ये बात याद रखनी है क्योंकि इससे बहुत सारे आगे डिजीज़ वगैरह उसमें ये मेंशन होती है.